वेलकम गाइज, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया के चार मोबाइल जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रियलमी U1 और दूसरे नंबर पे आता है Xiaomi Redmi 6 Pro, तीसरे नंबर पे आता है Honor 8X और चौथे नंबर पे आता है Nokia 6.1 Plus। तो गाइज, इन चारों मोबाइल के रिव्यू देखने वाले हैं हम इस वीडियो में कि किस में कितना डिस्प्ले मिल रहा है, स्टोरेज कितना मिल रहा है, कैमरा कैसा है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर आप भी इन चारों मोबाइल में से कंपैरिजन करके किसी एक को बाय करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल वेयर यूट्यूब चैनल। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, जो चार मोबाइल की कंपैरिजन हम देखने वाले हैं जो इंडिया में नई नई लॉन्च हुई है, उन चारों मोबाइल का फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहली कंपैरिजन है रेट की, तो चलिए रेट की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रियलमी U1, ये 3GB और 32GB में 11,999 का है और 4/64 में 14,499 रुपए की है। यहीं पे अगर Xiaomi Redmi Note 6 Pro की बात करें तो 4/64 GB में यहाँ पे 13,999 का है और 6/64 GB में 15,999 का है। Honor 8X की बात करें तो 4/64 GB में यहाँ पे 14,999 का है और 6/64 GB में 16,999 का है एंड 6GB और 128GB में 18,999 का है Honor का। Nokia 6.1 Plus है 4/64 GB में 15,999। तो गाइज, अगर यहाँ पे प्राइस की कंपैरिजन देखें तो 4GB और 64GB की वेरिएशन में सबसे सस्ती मोबाइल है Xiaomi Redmi Note 6 Pro, जो कि आपको मिल जाएगी ओनली 13,999 रुपए की। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि रेट में सबसे कम कौन सा है। अब आगे देखते हैं इसकी डिस्प्ले और स्टोरेज और कैमरा। तो नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन चारों मोबाइल के कैमरा का, यानी रियर कैमरा, जिसे हम बैक कैमरा के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम देखने वाले हैं Realme U1 में मिल रहा है 13 MP प्लस 2 MP का बैक कैमरा, Xiaomi Redmi Note 6 Pro में मिल रहा है 12 MP और 5 MP का बैक कैमरा, Honor 8X में मिल रहा है 20 MP और 2 MP का बैक कैमरा, Nokia 6.1 Plus में मिल रहा है 16 MP प्लस 5 MP का बैक कैमरा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर कैमरा के हिसाब से देखा जाए तो Honor 8X में मिल रहा है 20 MP प्लस 2 MP का बैक कैमरा। तो नंबर वन पे यहाँ पे कैमरे के मामले में Honor आ रहा है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है आपको Nokia। तो दोस्तों, Nokia में मिल रहा है 16 MP प्लस 5 MP का बैक कैमरा और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है 12 MP प्लस 5 MP जो कि है Xiaomi Redmi Note Pro और चौथे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है Realme जो कि 13 MP और 2 MP है। दोस्तों, यहाँ पे Realme और Xiaomi में थोड़ा सा डिफरेंस है और रेट में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया नंबर वन में किसका कैमरा है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में कौन कौन सा है। चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पे हम फ्रंट कैमरा की कंपैरिजन देखेंगे इन चारों मोबाइल की। तो यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 6 Pro में मिल रहा है 20 MP की फ्रंट कैमरा और 2 MP की, यानी दो कैमरे मिल रहे हैं। और Realme U1 में बात करें तो यहाँ 25 MP की फ्रंट कैमरा जो कि सिंगल कैमरा मिल रहा है। Honor की बात करें तो 16 MP, Nokia की बात करें तो यहाँ पे 16 MP। तो यहाँ पे अगर ये चारों मोबाइल में कंपैरिजन करें, अगर सेल्फी एक्सपर्ट है आप, सेल्फी लेना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा Realme U1, जिसमें 25 MP की कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कैमरा आपको मिलता है 20 MP का जो कि Xiaomi का है। तो यहाँ पे Realme और Xiaomi में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एक को जो कि आपको अच्छी खासी सेल्फी दे सकता है। बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे डिस्प्ले की कंपैरिजन करेंगे इन चारों मोबाइल की। तो यहाँ पे Realme U1 की डिस्प्ले मिल जाती है 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले, रेजुलेशन है इसकी 2340x1080 और यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 6 Pro में आपको मिल जाती है 6.2 इंच की डिस्प्ले और यहाँ पे 1080x2246 pixel की डिस्प्ले मिल जाती है। Honor की बात करें तो 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको मिल जाता है FHD IPS LCD डिस्प्ले, इसमें 2340x1080 का पिक्सल्स मिल जाता है। Nokia में आपको 5.8 इंच की डिस्प्ले है जिसमें FHD डिस्प्ले है और 1080x2240 pixel डिस्प्ले मिल रहा है। आप कंपैरिजन कर लेते हैं कि डिस्प्ले के मामले में कौन बड़ा है, कौन अच्छा है। तो यहाँ पे अगर बड़े की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको मिलता है Honor 8X में डिस्प्ले, FHD प्लस IPS LCD यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अब बात करते हैं Xiaomi और Realme में कंपैरिजन की।
तो आपको यहाँ पे Realme दे रही है 6.3 इंच की डिस्प्ले और Xiaomi दे रही है 6.2 इंच की डिस्प्ले। अगर रेजुलेशन की बात करें तो यहाँ पे Realme की रेजुलेशन अच्छी है अकॉर्डिंग टू Xiaomi, यानी Xiaomi से थोड़ी सी ज्यादा है Realme की रेजुलेशन, तो आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं। डिस्प्ले के मामले में आप यहाँ पे Xiaomi या Realme या फिर Honor को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होता है प्रोसेसर, जिससे आपकी मोबाइल फोन की स्पीड मापी जाती है। सच मायने में यही आपकी मोबाइल फोन की जान है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। Realme U1 में मिल रहा है ऑक्टा कोर मीडिया टेक हेलियो P70 प्रोसेसर, यहीं पे Xiaomi Redmi Note 6 Pro में ऑक्टा कोर क्वाड कोर स्पीड ड्रैगन 636 प्रोसेसर मिल रहा है। और यहाँ पे Honor X की बात करें ऑक्टा कोर हाई सिलिकॉन Kirin 710 मिल रहा है। नोकिया की बात करें तो यहाँ पे क्वाड कोर स्पीड ड्रैगन 636 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रोसेसर के मामले में अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्टा कोर यानी कि Xiaomi भी अच्छी खासी प्रोसेसर दे रही है और Realme भी अच्छी खासी मीडिया हेलियो प्रोसेसर दे रहा है जो कि आप ले सकती हैं। प्रोसेसर के मामले में आप Realme U1 और Xiaomi Redmi Note 6 में कंपेयर कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे ले सकते हैं। इन दोनों प्रोसेसर में काफी दम है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैटरी की। यहाँ पे बैटरी भी काफी मायने रखता है बैकअप के मामले में। तो गाइस यहाँ पे Realme में मिल रहा है 3500 mAh की बैटरी और Xiaomi की बात करें तो यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। Honor X की बात करें तो 3750 और नोकिया की बात करें तो 3060। तो यहाँ पे बैटरी के मामले में भी Xiaomi Redmi Note 6 मच बेटर है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme U1 में मिल रहा है आपको 8.1 Oreo और यहाँ पे Xiaomi की बात करें तो यहाँ पे 8.0 Oreo मिल रहा है और Honor की बात करें तो इसमें भी 8.0, Nokia की बात करें तो इसमें भी आपको मिल रहा है Oreo। तो यहाँ पे Android वर्जन की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी Android वर्जन मिल रही है Realme में यानी 8.1 और यहाँ पे Xiaomi भी कोई कम नहीं दे रहा, 8.0 दे रहा है। तो यहाँ पे Xiaomi भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे Honor भी दे रहा है आपको 8.0 और यहाँ पे Nokia थोड़ा सा कम दे रहा है यानी 8 दे रहा है। तो आप यहाँ पे Xiaomi और Realme में कंपेयर कर सकते हैं और कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा इन चारों मोबाइल फोन की कंपैरिजन जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुए इंडिया के अंदर। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि बजट में कौन आपका आ रहा है और किसमें आपको अच्छी खासी प्रोसेसर रैम रोम एंड डिस्प्ले मिल रही है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी एंड गजेट रिव्यू आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।